नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। हमर एसयूवी आमतौर पर अमेरिकी सेना से जुड़ी होती है। यह कर्मियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए उनके आधिकारिक वाहन के रूप में उपयोग किया जाता था। यह एक उबड़ खाबड़ दिखने वाला उपयोगितावादी वाहन था। बाद में अपने रफ लुक के कारण यह लोकप्रिय हो गया और उसी का नागरिक संस्करण लॉन्च किया गया है। हमर पिछले कुछ वर्षों में विकसित हुआ है और अब यह कई अन्य लोगों की तरह एक इलेक्ट्रिक एसयूवी बन गया है। तो आइए जानते हैं क्या है हमर H1 में खास, आपको विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें कि इस हमर को हमर H1 X3 कहा जाता है, क्योंकि एक मानक हमर H1 SUV से 3 गुना अधिक बड़ा है। आपको बता दें कि SUV वर्तमान में UAE के अल मैडम में ऑफ रोड हिस्ट्री म्यूजियम में प्रदर्शित है। हमर H1 6.6 मीटर लंबा, 14 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा है। इस हमर की सबसे अच्छी बात यह है कि यह सिर्फ शोपीस के रूप में नहीं है, यह एक नियमित हमर H1 का पूरी तरह कार्यात्मक स्केल अप मॉडल है। आपको यह भी बता दें कि SUV शेख हमद बिन हमदान अल नहयान की है, जिसे रेनबो शेख के नाम से भी जाना जाता है। वह कारों के अपने प्यार के लिए जाने जाते हैं और उनके गैरेज में कारों का एक बड़ा संग्रह भी है। रेनबो शेख एक अरबपति हैं और वह अपना पैसा दुर्लभ कारों और कस्टम संशोधनों पर खर्च करते रहे हैं। हमर H1 ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है। संग्रहालय जहां हमर वर्तमान में प्रदर्शित है, वास्तव में शेख हमद बिन हमदान अल नहयान के स्वामित्व में है। आपको ये भी बताते चले कि हमर एक कस्टम बिल्ड प्रोजेक्ट रहा है और इसे बिल्कुल असली हमर जैसा दिखने के लिए डिजाइन किया गया है। मोटी धातु की चादरें और अन्य घटक, उदाहरण के लिए पहिए और टायर एक उभयचर वाहन से लिए गए हैं जो अमेरिकी सेना द्वारा उपयोग किया जाता है। कार का फ्रेम पूरी तरह से मेटल से बनाया गया है और इस पर बॉडी बनाई गई है। हमर H1 को वास्तव में अंदर से एक घर के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसमें बेडरूम, किचन, बाथरूम आदि सभी सुविधाएं होंगी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस हमर पर अभी काम खत्म नहीं हुआ है। कार में प्रवेश करने के लिए एक सीढ़ी के माध्यम को बनाया गया है, जिसे शरीर के नीचे बड़े करीने से रखा जाता है। कार के अंदर पानी की आपूर्ति के लिए पाइपलाइन भी है और टायरों में दबाव की जांच के लिए गेज भी है। यह विशाल हमर H1 पूरी तरह से काम कर रहा है। यह बड़ा हमर H1 या हमर H1 X3 एक नहीं बल्कि 4 डीजल इंजन का उपयोग करता है। आपको ये भी बता दें कि इस SUV का इंजन भी एक वाहन से उधार लिया गया है, जिसका उपयोग अमेरिकी सेना करती है। यह पहली बार नहीं है जब शेख हमद बिन हमदान अल नहयान ने ऐसा कुछ किया है। जी हाँ, उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी विलीज जिप भी बनाई। अमीराती परिवार के सदस्य रेनबो शेख के पास दुनिया के सबसे ज्यादा 4x4 वाहन है, जिसके लिए उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। शेख के पास कुल 718 SUV और ट्रक हैं। तो आपको इस हमर के बारे में पूरी जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमेशा हमारे लिए महत्वपूर्ण रही है। और साथ ही साथ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है, तो फिर देर किस बात की, जल्दी कीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।